हाँ जी, एक माता जी ने पूछा है, घर में बैठ कैसेट सुनने वाले कौन सी लिस्ट में आवेंगे? जो गीता पाठशाला में या सेंटर में जाके क्लास नहीं करते हैं, अपने घर में ही बैठ करके पढ़ते हैं, वो कौन सी लिस्ट में आवेंगे? हैं, राजघराने में आवेंगे या नहीं आवेंगे? हैं, साहूकार बनेंगे या गरीब बनेंगे? क्या बनेंगे? अरे साहूकार तो बनेंगे, बल राजघराने में नहीं आवेंगे, क्योंकि शूटिंग ही ऐसी हो रही है कि राजघराने के संसर्ग संपर्क संबंध में नहीं आते हैं, अपने घर में बैठ पढ़ते हैं। और जो गीता पाठशाला में दो तीन बार क्लास करते हैं, वो लोग कौन सी लिस्ट में आवेंगे? दो तीन बार क्लास करते हैं तो बाबा की वाणी से प्यार तो है, ब्राह्मण परिवार के संपर्क में भी आते हैं, संगठन में भी आते हैं, अगर धारणा करते हैं साथ में तो राज परिवार की लिस्ट में आ जाएंगे। अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अंत तक समर्पित बुद्धि हुए तो क्योंकि त्रेता के अंत में जाकर के 16108 की लिस्ट बनती है राज परिवार की, और बाबा विक्रमादित्य राज में विक्रमों के ऊपर जीत पाने वाले, वो तो विक्रमों के ऊपर जीत पाते हैं हम अभी संगम युग में। अभी पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते करते संगम युग भी पूरा होगा और विकर्मों के ऊपर जीत भी हम पूरी प्राप्त करेंगे, तब बनेंगे विकर्मा जीत राजा, माने लक्ष्मी नारायण का राज्य। और विकर्मी संबत शुरू होता है, जिसे कहते हैं विक्रम संबत, तब से विकर्म करना शुरू करते हैं। लेकिन द्वापर युग में ब्रह्मा बाबा का नाम पड़ता है, बोले ना। तो विकर्म करना शुरू किया ना द्वापर से, लेकिन इधर विक्रम के ऊपर जीत पाने वाला प्रजापिता है ना बाबा? प्रजापिता अकेला है, साथ में ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कभी देखा है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के चित्रों के साथ साथ विष्णु का चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु के चित्र में चार भुजाएं हैं। लक्ष्मी नारायण जो संगम युग के हैं वो तो माता पिता हैं, लेकिन माता पिता तब तक संपूर्ण नहीं बन सकते जब तक अपने बच्चों को भी संपन्न न बनाए। वो माँ बाप कैसे जो अपने बच्चों को आप समान भी न बनाए पढ़ाई लिखाई के? तो चारों ही मिलकर के विष्णु रूप बनते हैं, इसलिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में विष्णु की मूर्ति अलग दिखाते हैं कोठरी में, और लक्ष्मी नारायण का मूर्ति अलग दिखाते हैं। भगवान सया भी कहेंगे सभी में सब में होता है, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों कहते हैं? कहते तो हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, और द्वापर के आदि में नहीं कहते थे सर्वव्यापी है, कब कहते हैं?
कलयुग के अंत में कहते हैं सर्वव्यापी है। इसका राज शूटिंग में नोदा हुआ है संगम युग में। संगम युग में आदि और मध्य संगम में प्रजापिता को अर्थात सृष्टि के आदि पुरुष को आदि और मध्य में सब जानते हैं कि अंत में सब जानेंगे? अंत में जानेंगे। जब अंत में जानेंगे तो सबकी बुद्धि उस साकार में लगेगी या निराकार में लगेगी? साकार में सबकी बुद्धि अड़ जाएगी। उस समय का यादगार है कि भगवान सर्वव्यापी, क्योंकि सबकी बुद्धि में वो समा जाएगा। ये याद की मेहर है, याद की शक्ति है जो सबको प्रभावित कर देगी। सारी दुनिया याद से चेंज होगी। जो अभी दुनिया का कण कण है वो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। और सतयुग में कैसे हो जाएगा? योग बल की ताकत से दुनिया का कण कण सतो प्रधान हो जाएगा। लेकिन बीच में ये पार्ट चलता है कि कण कण में भगवान, क्योंकि संसार का जो भी कण कण है उसमें याद समा जाएगी। पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, कीड़े मकोड़े हो, सब याद की ताकत से अभिभूत हो जाएंगे। सब की आत्मा इस दुनिया को छोड़ करके कहां जावेंगी? परम धाम वापस जावेंगी। तो सब आत्माएं निराकार को याद करने वाली होंगी या साकार की याद की प्रभाव पड़ेगा? किसका प्रभाव पड़ेगा? साकार की याद का प्रभाव पड़ेगा। निराकार को याद करने वाले धर्म पिनायन तो मुठ भर हैं, जो निराकारी याद में टिकते हैं बिंदु की याद में, वो अपने अपने धर्म के बीज बनते हैं। परंतु ये तो सारी दुनिया का बीज है। और इसलिए ऐसी बातों का भी समाधान होना चाहिए कि शिव शंकर अलग अलग कह देते हैं, फिर संसार में ये मान्यता कहां से हो गई शिव शंकर एक हैं? आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, ये संसार में मान्यता कहां से आ गई आत्मा सो परमात्मा? कोई कारण तो बना होगा, हैं? क्या कारण बना? जरूर कोई आत्मा है जो परमात्मा तक की स्टेज में पहुंच जाती है। इसलिए शिव और शंकर को मिलाकर एक किया जाता है और दूसरी आत्माओं को मिलाकर एक नहीं करते हैं। और दूसरी आत्माएं थोड़े ही आत्मा सो परमात्मा बन जाती है, एक आत्मा का गायन है। और बाबा ने मुरली में बोला है, वसुदेव के आठ पुत्र थे, उनमें से सात को कंस ने मार डाला। सिर्फ आठवां कृष्ण बच्चा बचा, उसको कंस मार नहीं पाया। लेकिन महाभारत में दिखाया है कंस ने सिर्फ छह पुत्रों को ही मारा, बाकी सातवां बलराम और आठवां कृष्ण दोनों ही बच गए। धर्म टोटल कितने हैं?
जो भगवान से प्राप्ति करते हैं। नौ धर्म है जो नंबरवार आस्तिक बनते हैं, भगवान से प्राप्ति करते हैं। उनमें से नौवा तो आधा नास्तिक है, तो उसको छोड़ दो, बाकी बचे आठ। आठ में प्रवृत्ति मार्ग के धर्म कितने हैं? सूर्यवंश और चंद्रवंश, इनके मुखिया ही बलराम और कृष्ण की यादगार है। कृष्ण को कंस मार नहीं सका, बलराम को भी अगर मार नहीं सका तो कम से कम देवती के गर्भ से पैदाइश भी नहीं होने दी। अगर देवकी के गर्भ से पैदा होता तो उसको भी मार देता, इसलिए वो चंद्रवंश में गया। एक कृष्ण ही ऐसा है जिसको मोर पंख दिखाया जाता है। अपवित्रता को पूरा जिसने जीता है, बाकी बलराम को भी मोर पंख नहीं दिखाते हैं। उनका तो और ही हथियार ही हल दिखाई दिया है, जो धरणी को चीरता है। बलराम में ताकत है धरणी को रसातल ले जाने की, उनको शेषनाग का अवतार दिखाया जाता है। कहते हैं उनके फण के ऊपर धरती टिकी हुई है। स्थापना काय से होती है और विनाश काय से होता है। स्थापना होती है कृष्ण की पवित्रता से, दूसरे शब्दों में कहें योग बल की प्योरिटी से, और विनाश होता है अपवित्रता से। उनको सांपों के रूप में दिखाया गया है। सांप किस बात के सूचक हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या हैं? पांच सर्प हैं। और कलंकीधर का पार्ट कितना समय चलेगा, कब से कब तक? क्या यज्ञ के आदि से कलंक नहीं लगते आए हैं? है? यज्ञ के आदि में भगवान का पार्ट था या नहीं था? है? भगवान का पार्ट तो था लेकिन गुप्त था, तो क्या कलंक नहीं लगाए गए? कलंक लगाए गए तभी तो झगड़ा हुआ, नहीं तो झगड़ा क्यों होता? आज भी जो झगड़े हो रहे हैं ब्राह्मणों के परिवार में, ब्राह्मणों की दुनिया से कनेक्टेड बाहर के संसार में जो भी झगड़े हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? पवित्रता की बात पर ही झगड़े हो रहे हैं। तो ये कलंकी धर अवतार आदि से लेकर के अंत तक का एक कलंकी धर अवतार गाया हुआ है, जिसको कलंक तो लगते हैं लेकिन वो खुशी खुशी कलंकों को धारण कर लेता है, परेशान परेशान नहीं होता। अरे हमारा पार्टी ऐसा है। और कृष्ण दोस्त चिन्ह वैसे
श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को उठाया था। हाँ, छोटी सी उंगली पर उठाया था, उसका अर्थ क्या है आज भी तो बताया। ये गोवर्धन पहाड़ को सोने का पहाड़ कहा गया है। काहे का पहाड़? सोने का। सोना किस बात को कहते हैं? सच्चाई को ही सोना कहा जाता है। गऊ कहा जाता है कन्याओं माताओं को। वर्धन माने बढ़ाना। क्या गऊओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 16,108 संगठन बना दिया। यही गोवर्धन पहाड़ है, कोई दूसरा पहाड़ नहीं है। दुनिया की आंखें इसी बात से खुलती हैं कि एक भगवान ही है जो इतनी गऊओं की पालना कर सकता है, उसको भगवान कहा जाता है। वो कन्याएं माताएं ही भगवान की प्रत्यक्षता कर देती है। ऐसे दुनिया में बहुत से गुरु हैं जिनके संगठन में कन्या माताओं की पालना तो होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में 4,000, 10,000, 8,000, लेकिन 16,000 संख्या किसी की न हुई है और न आगे कभी होगी। वो सिर्फ भगवान के लिए ही गाया हुआ है और उसका नाम रख दिया है गौवर्धन पहाड़। ये पहाड़ उठाने का काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। 16,000 कन्या माताओं का संगठन खड़ा कर देना, इस संगठन के नीचे 9,00,000 आत्माएं छत्र छाया में बड़े आराम से रहेंगी जब ये संगठन तैयार हो जाएगा। मुसलमानों के कुरान में भी लिखा हुआ है, जब विनाश बरपा होगा सारी दुनिया में जलमयी होगी, तब भगवान के बंदे बड़े मजे में रहेंगे। कौन सी उनको छत्र छाया मिलेगी? ये पवित्रता की छत्र छाया मिलेगी। और बाबा, अगर कोई एनएस में रहते हैं, दूसरों को दुख दे और रुलाया, वो सिर्फ नष्ट होने से अष्टदेव में आ जाएंगे क्या? जो नष्ट हुआ होते हैं वो किसी को दुख नहीं देते हैं। जिनका मोह लगा हुआ होता है वो ही दुख देते हैं। मोह सकेला व्याधन करमूला। कोई का किसी से अटैचमेंट होता है खास, तो उसी को सुख देना चाहता है, बाकी सारी दुनिया के सुख खींच करके अपने पास रखना चाहता है। जिसका मोह नष्ट हो जाएगा वो दूसरों को दुख क्यों देगा? हाँ, कोई अनुभव कर सकता है कि हमें दुख दिया, परंतु ये तो अज्ञानता की बात है। और शिवालय माना क्या है? शिवालय माने शिव का आलय, जहाँ ये आलय माने घर, वही शिवाला। शिवाला कहते हैं शिव का आलय। आलय घर को कहा जाता है। शिव का ऐसा घर जहाँ शिव की ही पूजा होती है और कोई की पूजा नहीं होती। शिवालय में चारों ओर ढेर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी होती है। सब किसको याद कर रहे हैं? एक शिव को याद करते हैं। सब की नजर, सब देवी देवताओं की नजर एक शिव के ऊपर लगी हुई है, उसको कहते हैं शिवालय। दिवाला मारते हैं, दिवाला कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आईपी बोलते हैं।
हाँ दिवाला मारने माने बिजनेस में हाथ पांव ठंडे हो गए, अब हमारे से कुछ नहीं होता, हार गए। और बाबा गीता पाठशाला में बहुत नींद करने वाले है बाबा, उनके लिए क्या करना? बाबा के क्लास में नींद करने वाले नहीं आते हैं क्या? क्या बाबा? अरे नींद करने वाले कुंभकर्ण तो बाबा के क्लास में भी आ जाते हैं। उनके लिए क्या करना बाबा भाई? क्या करना, बाबा ने तो बता दिया, जिनको नींद आती है वो ड्रापर में सरसों का तेल लेकर के बैठे, जब नींद आना शुरू हो तो आधा बूंद एक आंख में लगा लिया, आधा पौना घंटा के लिए फुर्सत हो जाएगी, फिर नींद आए फिर दूसरी आंख में भी आधा बूंद लगा लिया, फिर आधा पौना घंटा के लिए फुर्सत, डेढ़ दो घंटे का क्लास पूरा हो जाएगा। बाबा ने तो युक्ति बताई है, वो कोई करे या न करे। और कोई भी आश्रम के स्तर पर मुर्गा का पंखा क्यों दिखाते हैं? ये जितने भी विदेशी हैं, जिनको यवन कहा गया है, चाहे मुसलमान हो चाहे अंग्रेज हो, उनके सर पर मुर्गे का पंख दिखाया जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो भारतवासी हैं, उनका मुखिया है कृष्ण, उनको दिखाते हैं मोर का पंख, और जो विदेशी हैं उनको दिखाया जाता है मुर्गे का पंख। मुर्गे का काम है दूसरों को जगाना और खुद सो जाना। तो ऐसे ही ये विदेशी जब भगवान आते हैं तो सारी दुनिया को जगा देते हैं, भगवान को पहचान भी लेते हैं, सारी दुनिया को जगा भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में खुद अज्ञान की नींद में सो जाते हैं। यहाँ ज्ञान की दुनिया में भी ऐसे विदेशी हैं क्या, जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को जगाते हैं, फिर खुद ज्ञान छोड़ करके शादियां वादियां करके बाल बच्चे पैदा करने लग पड़ते हैं। लक्ष्मण का पार्ट हो चाहे शेषनाग का पार्ट हो, सहयोग एक ही है, सहयोग का ही पार्ट बने। जो लक्ष्मण का पार्ट है वो ही शेषनाग का पार्ट है, सहयोग का ही पार्ट बजाया। हाँ सहयोग का ही पार्ट बजाया, छत्र छाया के रूप में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु जब क्षीर सागर में बैठा हुआ दिखाते हैं तो उसको छत्र छाया बनकर कौन रहता है? पांच फनों वाला सांप दिखाते हैं, वो शेष नाग ही वो छत्र छाया बनकर के रहता है। ज्ञान को समझ लेते हैं, जब ज्ञान को समझ लिया तो वो छत्र छाया के रूप में दिखाते हैं। जैसे राम की जब राजगद्दी दिखाते हैं तो लक्ष्मण को छाता लिए हुए दिखाते हैं, वो छत्र छाया के रूप में है। वो विदेशी आत्माएं हैं जो भगवान को पहचान लेती हैं, वास्तव में वो आखिरी जन्म में कोई सेवा के हिसाब से विदेशी जाकर के बनी है, वास्तव में तो भारतीय हैं। भारत में ही देवताएं भी होते हैं असुर भी होते हैं। देवालय में सुबह और शाम को दरवाजा खोलते हैं और दोपहर को नहीं खोलते हैं। यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की दुनिया में देवताओं ने विशेष पुरुषार्थ किया था, ये आसुरी आत्माओं ने पुरुषार्थ किया था, देव आत्माओं ने पुरुषार्थ किया था। तो आदि में भी दरवाजे खोले और अंत में भी, जब देव आत्माएं बन जावेंगे तो दरवाजे खुल जावेंगे, बाकी बीच में अभी दरवाजे बंद हैं।
और भगवान की शादी जीत खा के बाल बने करते हैं, अमृत वेले क्या नहीं करते तिरुमला में। तिरुमला में क्या करते हैं? भगवान की शादी दीपहार के 12 बने करते हैं, अमृत वेला क्या नहीं क्यों नहीं करते तिरुमला में। क्या बोला? तिरुमला में है वेंकटेश्वर का कल्याण दिखाते हैं वहाँ, कल्याण मंडप। हाँ, वो हर दिन दोपहर के समय में ही मनाते हैं। दोपहर के दिन? हाँ जी, दोपहर के टाइम पर मनाते हैं। कल्याण मंडप मनाते हैं, विशेष पूजा नहीं नहीं शादी होते हैं ना, शादी वादी। हाँ, ऐसा दोपहर में ही क्यों दिखाते हैं, अमृत वेला क्यों नहीं दिखाते? अमृत वेला में तो सुबह 4 बजे कृष्ण का जन्म दिखाते हैं, दोपहर को होता है राम का जन्म। राम बड़ा है या कृष्ण बच्चा है? कृष्ण बड़ा है, कृष्ण तो बच्चा है, उसकी शादी थोड़ी दिखा देंगे। हैं तो दोनों एक ही मूर्तियां, एक ही मूर्ति में दोनों आत्माएं समा जाती है, लेकिन वो यादगार दिखाई हुई है, इसलिए राम का विवाह प्रसिद्ध है। और और बताओ, और क्लियर करो, अभी नहीं समझ में आया। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं और ये भी कहते हैं कि काली माँ आकर के सहयोग देती है। क्या सहयोग देती है? शंकर को तो दिखाया हुआ है कि शंकर को भीख देती है अन्नपूर्णा, लेकिन विष्णु को क्या सहयोग देती है? किस तरह का सहयोग देती है? शंकर नहीं कहते हैं जो सहयोग देते हैं, तो विष्णु का टेंस जो भी चले जाता है। अब पूरी बात समझ लो, फिर उसके बाद पूछना। हाँ हाँ, और ओ विष्णु की जगह शंकर की जगह विष्णु बोल गई। अर्थ मतलब यही है, योग कहा जाता है अन्न को और पानी कहा जाता है ज्ञान को। तो योग की भिक्षा माने अन्न की भिक्षा अन्नपूर्णा माता ने दी इसको शंकर को, तो शंकर को अन्न की भिक्षा का मतलब है स्नेह की भिक्षा। जो स्नेह है वो कोई ने नहीं दिया, किसने दिया? दिया तो अन्नपूर्णा ने दिया, वो अन्नपूर्णा ही जगदम्बा है। जो जगदम्बा बिन फेरे हम तेरे बन जाती है, दान तो देती है लेकिन शादी करने की जरूरत नहीं है, जा शादी करने की बात नहीं आती है। ऐसी हिम्मत दुनिया में कोई भी कन्या नहीं कर सकी, किसने की? जगदम्बा ने, अन्नपूर्णा ने की, इसलिए उनको इस रूप में दिखाते हैं। है तुलसी के रूप में भी दिखाया हुआ है। तुलसी ने क्या किया? जब भगवान को भोग लगाते हैं, खाना खिलाते हैं, तो खाना कब तक पूरा नहीं माना जाता? जब तक तुलसी दल न डाला जाए तो भगवान का भोग नहीं माना जाता। तुलसी दल का मतलब है जब तक तुलसी आकर के सहयोग न दे तब तक भगवान का भोग भी पूरा नहीं हो सकता।
तुलसी में भी दोनों है ना बाबा, हरा तुलसी काला तुलसी। हरित तुलसी घरगस्त में रहते हुए ही हरी है, एक जंगल की तुलसी है वो और घर में लाके लगा दी जाए तो हरी नहीं सूख जाती है, वो जंगल में ही जाकर के फलीभूत होती है। अर्थात पहले पहले समर्पित होने वाली दो प्रकार की कन्याएं हैं, एक प्रवृत्ति में घरगस्त में आकर के सूख जाती है, फिर बाहर की दुनिया में चली जाती है तो फिर हरी हो जाती है, उसको कहते हैं काली तुलसी। बाहर की दुनिया में पवित्रता इतनी अक्षुण्ण नहीं रहती है इसलिए काली पड़ गई, और अंदर की दुनिया में अंदर रहेगी तो ज्यादा सेफ रहेगी या बाहर रहेगी तो ज्यादा सेफ रहेगी, अंदर की दुनिया में ज्यादा सेफ्टी है तो इसलिए हरी तुलसी दिखाई गई है और वो काली पत्ते वाली दिखाई गई है। काली तुलसी, काली अर्थात व्यभिचारिणी। हाँ ओम शांति। ब्रह्मा बाबा बैल है, शिव का वाहन है या शंकर का वाहन है? वो बैल किसका वाहन है? जो गायों का कुल होता है उस गायों के कुल को बढ़ाने वाला बाप कौन होता है? अरे गायों का कुल होता है ना, गौकुल। भक्ति मार्ग में तो जानवर गौओं को मान लिया है, तो उन गायों के कुल को बढ़ाने वाला कौन होता है बाप? बैल ही तो होता है। तो ब्रह्मा कुमारियों में जो भी गैया हैं, उन गैयों के कुल को बढ़ाने वाला बाप कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा हुआ। वो बैल ही दिखाया जाता है शिव के मंदिर में, नाली की तरफ मुख रहता है। वो नाली जगत की अम्मा है या जगत जन जो हैं उनकी पत्नी है? हैं? माता है, तो माता के साथ माता का संबंध होना चाहिए या नाली के रूप में देखने का संबंध होना चाहिए? माता का संबंध होना चाहिए। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा अपन को भगवान समझती है या साधारण इंसान समझती है? गीता का साकार भगवान समझती है, और जब भगवान समझती है तो पतितों को पावन बनाने वाला समझता है। दुनिया की जो भी कन्याएं माताएं हैं वो सब मेरी पत्नियां हैं। तो जलाधारी की तरफ मुख दिखाया गया है। बाबा ने बोला तुम सब पार्वतियां हो, अगर पार्वतियां हो स्त्री चोला है तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारों की बहनें और माताएं हैं, ये हमारी पत्नियां हैं, हैं? बहनें और माताएं हैं। हमारी दृष्टि कौन सी होनी चाहिए? बहनों माताओं की दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन बैल की क्या दृष्टि बनती है? इसलिए नाली की तरफ मुख दिखाया जाता है बैल का। यही परिवर्तन होना है। क्या परिवर्तन होना है? गीता माता का पति कौन बन करके बैठ गया? हैं? कृष्ण बच्चा बन करके बैठ गया।
आज घर घर में यही हालत है। बाप शरीर छोड़ देता है तो बच्चा माता का सरपरस्त बन करके बैठ जाता है, कंट्रोल करके बैठ जाता है। माता की घर में चलती है या बच्चे का राज्य चलता है? बच्चों का राज्य चलता है। माता तो दासी बन करके रह जाती है। सारे शरीर में सिर के अंदर सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताएं दिखाई जाते हैं और सारे शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। हाँ तो जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं उन्हीं में प्रवेश करके दूसरे धर्म की आत्माएं जो हैं 500-700 करोड़ अपना धर्म स्थापन करती हैं या नहीं? तो जो 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सारा विश्व समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? वो 33 करोड़ देवताएं की बीज रूप आत्माएं यहाँ बैठी हुई है, उन बीजों में 33 करोड़ देवताएं समाये हुए हैं और जो बीज रूप आत्माएं हैं वो किसके पेट से निकलती हैं? गाय के पेट से निकलती है, जगदम्बा से ही उनका जन्म होता है, इसलिए वो 33 करोड़ की माँ मानी जाती है। बाबा वो गायत्री मंत्र का सही शकल है? गायत्री का मतलब है तीन का गायन है, तीन देवियां हैं, तीन देवता हैं, तीन देवताओं की जो तीन देवियां हैं उनका गायन होता है तो तीनों की शक्ति मिलकर के गायत्री मंत्र कहा जाता है। और पूजा अनुष्ठान होता है ना? हाँ जी। तो पान और सुपारी रखते हैं गणेश जी का मान लेते हैं। हाँ समझते हैं, गणेश जी समझ कर उसकी पूजा करते हैं। गणेश समझ कर उसकी पूजा करते हैं। हाँ अब ये गणेश जी का तो ज्यादा चक्कर महाराष्ट्र में ही चलता है, आप उसमें बुद्धि ज्यादा चलाओ तो उसका रिजल्ट निकल आएगा। बाबा जो पुराने अभी सो रहे हैं उनका अमृत तो नहीं हो रहा है, तो उनका पूर्ण शर्त कैसा बढ़ेगा? पुरानों में जो अष्टदेव हैं वो पुराने कहे जाएंगे कि नहीं? वो अभी सो रहे होंगे या उनका अच्छा पुरुषार्थ चल रहा होगा अमृत वेले का? है अच्छा ही चल रहा होगा। और हाँ से प्यार तो मुरलीधर से प्यार बिल्कुल, जो क्लास चलता है उस क्लास के वक्त जो आत्माएं क्लास के लिए आती है वक्त पर नहीं आती है। हाँ कभी आधा घंटा लेट आती है, कभी 10 मिनट आती है, कभी 15 मिनट। तो क्या साबित होता है? तो उसके बाद में संगठन क्लास भी जो अटेंड नहीं करती है मासिक है महीने का, उन आत्मा को बाबा के सामने लाना चाहिए, बाबा आए तो। जब कह दिया मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, इसी आधार पर तो नियम बनाया गया कि जो रेगुलर और पंक्चुअल क्लास में नहीं आते हैं 2-4 महीने तक तो बाबा कहते हैं वो बच्चा मर गया, तो क्या मुर्दों को बुलाना है? जो बच्चे दो दो मासिक संगठन में अटेंड नहीं करते अपनी मस्ती में रहते हैं क्या उनको बाबा के सामने बुलाना? तो नियम बन गया आप तो उनको बुलाना ही नहीं है। मुर्दे आएंगे तो मुर्दों की दुनिया की बातें करेंगे, वो संगठन पसंद ही नहीं करते ब्राह्मणों का, इसलिए ब्राह्मणों के संगठन में आते ही नहीं, उन्हें दुनिया का संगठन ही पसंद है। अभी तो मुरली में आया कि वाइब्रेशन अच्छे किसके चलेंगे और खराब किसके चलेंगे, हैं? जो रेगुलर और पंक्चुअल होंगे उनके अच्छे वाइब्रेशन चलेंगे और जो रेगुलर पंक्चुअल नहीं है बाहर की दुनिया में ही रमे रहते हैं वो क्लास में बैठेंगे भी तो उनकी बुद्धि कहाँ भागेगी? बाहर की दुनिया में भागेगी।
ऐसे मुर्दों को बीच में रखना अच्छी बात नहीं है। या तो उनको जल्दी से भट्टी कराओ, जाओ 9 दिन गर्भ महल में रहो, दुनिया से नाता तोड़ो और एक बाप से जोड़ो। जैसे गर्भ में आत्मा पलती है तो दुनिया से नाता टूट जाता है। गर्भ में पलने के बाद फिर बच्चा पैदा होता है बाप के घर में। तो जाओ बाप के घर में, कहाँ है बाप का घर? फर्क का बात है। दो आत्माएं बाप में लेट आती है, दो आत्माएं बाप में लेट आती है, उनका साइन लेना है या नहीं लेना? क्लास में लेट आती है, उनका साइन लेना है या नहीं लेना है? लेट आती है तो लेट के साइन करें, लेट आती है तो टाइम बाद का डालें, पहले का टाइम क्यों डालेंगे? रजिस्टर में टाइम लिखा होता है ना, तो जितना लेट आए वही टाइम डालें। कभी-कभी क्लास पूरा हो जाने के बाद भी आते हैं, वो अपना टाइम डालें। ऐसे भक्ति मार्ग में भी तो होता है, बहुत से मंदिर ऐसे जाते हैं कि बस गए छुआ और भाग गए। है? हाँ। इसका रहस्य यह है, ये बाल ज्ञान के सूचक हैं। बाल जो है वो शरीर का शुद्ध खून है या अशुद्ध खून बाहर आता है, ये बाल हैं, ये नाखून हैं, ये शरीर का शुद्ध खून बाहर आ गया या अशुद्ध खून बाहर आया? है? बालों के रूप में जो अशुद्ध कचरा है वो बाल बनकर के नाखून बनकर के बाहर आता है। तो ज्ञान की जटाएं कही जाती हैं, साधु संत महात्माओं की ज्ञान की जटाएं उलझी हुई दिखाते हैं या सुलझी हुई दिखाते हैं? उलझी हुई है। तो ये जटाएं खुली रहेंगी। ये द्रौपदी का विद्रोह था, इनको हम संगठित नहीं करेंगे, इनकी झाड़ पोछ नहीं करेंगे, संभाल के नहीं रखेंगे जब तक हमारा विरोध पूरा नहीं हो जाएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र एक होकर सागर से मिलती है तो टकराहट होती है, टकराहट होती है सागर के साथ। चंद्रमा जिस रात में संपूर्ण होता है तो संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी ज्ञान जल को खींचती है अपनी तरफ, तो गंगा का जल भी खींचता है, ब्रह्मपुत्र का जल भी चंद्रमा की तरफ खींचता है और सागर का जल भी चंद्रमा की तरफ खींचता है। तो एक तरफ के गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल की धारा आती है और दूसरी तरफ से सागर की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं खींच करके और एक बड़ी ऊंची दीवार बन जाती है, खूब झगड़ा होता है, टकराहट होती है। यही प्रैक्टिकल में होगा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा फैसला करने वाले की शक्ति उसमें तीखी है या बच्चा बुद्धि है? हैं? बच्चा बुद्धि है, अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा है गीता का साकार भगवान कौन है। तो नदियां आकर के टकराहट करती हैं समंदर के साथ, सागर के साथ। जितनी भी नदियां निकलती हैं कहां से निकलती हैं? सागर से निकलती है। सागर से निकलने के बाद वो नदियां ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में बहती हैं कि ऊंची स्टेज में ही रहती हैं? है? नीची स्टेज में बह जाती हैं। ऊपर वाले से कनेक्शन टूट जाता है, नीची स्टेज में बहते बहते कचरा बहाती है,
नालों का गंदा जल उनमें मिक्स हो जाता है। एक ही नदी है जो लंबे टाइम तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बहती रहती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। वो ब्रह्मपुत्र नदी भी नीचे आकर के गंगा में मिलती है। तब ये सारी नदियां सागर से टकराती हैं। ये गंगा सागर का मेला होगा। दिल्ली बनेगी स्थापनाकारी, बंबई बनेगी विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। वो नदियां अभी ज्ञान सागर से टक्कर लेने वाली बनने वाली हैं, या सहयोगी बनने वाली हैं? पहले टक्कर लेंगी, महाकाली की सहयोगी बन जावेंगी। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, जो भी हो, वो सब विधर्मियों से मिल जाते हैं। विधर्मी अर्थात ब्रह्मा के वो तीन पुत्र जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, इस्लाम धर्म के बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज, ये सब सहयोगी बनते हैं नदियों के। नदियां भक्ति मार्ग की धाराएं बहाती हैं। वो ही नदियां जिनके पार्ट डिक्लेयर होते हैं भगवान सागर से, जिन नदियों की बुद्धि में बैठता है कि मेरा ज्ञान गंगा का पार्ट है, वो भी सागर के विपरीत हो जाती है। जो जगदम्बा की बुद्धि में बैठता है कि मेरा जगदम्बा का पार्ट है, वो भी जगत पिता के विरोधी बन जाती है। जो यमुना का पार्ट डिक्लेयर होता है कि मैं सूर्य की पुत्री हूं पहली पहली, वो भी ज्ञान सागर के विरोधी बन जाती है। और आखिरी ब्रह्मपुत्र नदी जो सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली है, ज्ञान मान सरोवर से ही निकलती है डायरेक्ट, वो भी गंगा आदि नदियों के साथ मिक्स होकर के एक हो जाती है। सारी नदियां मिलकर के किससे टकराती हैं? सागर से टकराती है। आखिरी रिजल्ट क्या निकलता है? भविष्य अर्थ के मदार पर ये पावन भी है, अर्थात भविष्य अर्थ करते फिर सत्युग स्थापन होता है, तो सत्युग स्थापन होता है तो वह पुण्य के पिता के द्वारा बनता है और धीरे पुण्य पुण्य पर रहता है और वह रात्रि सरिता रहता है। हाँ ठीक है। हाँ वहाँ शेर और बकरी घाट पे पानी पीता है। वो गायन सतयुग का नहीं है, यहाँ संगम युग का गायन है कि शेर जैसी आत्माएं और बकरी जैसी आत्माएं। त्रिमूर्ति में बकरी कौन है? हैं? विष्णु है बकरी, ब्रह्मा है मनरूपी घोड़ा, और शंकर है शेर। तो ऐसा टाइम आएगा, ऐसी जमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होगी जहां बकरी और शेर एक घाट पानी पिएंगे। ओम शांति।